करनाल में रन फॉर यूथ के बाद खेल मंत्री कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के सभागार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के संवाद कार्यक्रम में पहुंचे और लोगों को संबोधित किया और इसी के साथ कई खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, इसको लेकर ऐसे कार्यक्रम काफी कारगर सिद्ध होंगे। करनाल पहुंचे खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा, प्रदेश में जो नशे की प्रवृत्ति पर बढ़ रही है, इसको लेकर ऐसे कार्यक्रमों से काफी फर्क पड़ेगा और आने वाले दिनों में भी हम ऐसे ही कार्यक्रम करेंगे। जो युवा नशे की ओर बढ़ चुके हैं, उनको समझा बुझाकर अवेयरनेस कैंप लगाकर वापस लेकर आएंगे और प्रदेश को नशा मुक्त करने का अभियान छेड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जो युवा नशे की लत में पड़ चुके हैं, उनको हर संभव जागरूक कर ही वापस लाया जा सकता है। उनके परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर हम भी घर तक पहुंचकर बात करेंगे। रन फॉर यूथ फॉर नेशन और 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की एक मैराथन थी। बेसिकली स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर युवा दिवस हम मनाते हैं, तो युवाओं को एक राह पर लेके जाना और उनको एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है और वो चाहते हैं कि हरियाणा एक हरियाणवी एक का जो उनका संकल्प है उसका साथ साथ युवाओं को आगे बढ़ाएं, जिससे कि जो युवा हैं अपने पांव पर खड़े। और इसी के साथ जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है प्रदेश में, उसको लेकर भी जैसे कार्यक्रम से पड़ेगा डेफिनेटली नशे को लेकर हम आगे आने वाले समय में बहुत अच्छे अच्छे मुहिम चलाने वाले हैं, जिससे कि जो यंगस्टर्स हैं स्पेशली जो स्कूल कॉलेजेस के बच्चे हैं, उनको हम बताएंगे कि नशा एक्चुअली में क्या है और उसकी हानि क्या होती है, और जो नशे में नहीं पढ़े हैं अभी तक उनको अवेयरनेस देंगे और जो पढ़ चुके हैं उनको हम उनके गांव तक उनके फैमिली तक वापस लाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारा हरियाणा है वो नशा मुक्त है। खेल नर्सरियों को लेकर क्या आगे की प्लानिंग है? देखिए, खेल नर्सरियाँ मैंने पहले भी काफ़ी मीडिया के माध्यम काफ़ी चीज़ें बताई हैं कि जो फेक हैं उनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि फेक नर्सरियों जो ले चुके हैं ये शो करके कि उनके पास अच्छे खिलाड़ी हैं और उन्होंने नर्सरियाँ ले चुके हैं, तो वो चलेंगी नहीं, और जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको हक मिलेगा और नर्सरियाँ भी रखेंगे और आगे हम ग्रास रूट के ऊपर बहुत काम करेंगे, क्योंकि मुझे हरियाणा नंबर वन है और आगे भी नंबर वन रखना है। ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है? देखिए, डेड जोन बोलता हूँ मैं इस एरिया को, जहाँ पर खिलाड़ी होते हैं और सुविधा नहीं होती, उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो है। और वहाँ पर मैं, क्योंकि आज के युग में हर कोई चाहता है कि हमें स्टेडियम मिले, लेकिन मेरा मानना है कि स्टेडियम नहीं, हमें ट्रेनिंग सेंटर्स बनाने हैं, जिससे कि बच्चे हम पैदा कर सकें और वो देश को के ऊपर अपने माता पिता का, अपने प्रदेश का, अपने ज़िले का नाम रोशन कर सकें।